केंद्र सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी द्वारा पिछले 5 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में देश भर के अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक 11वीं से ऊपर के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना लाए हैं, जिसके कारण SC के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। वो जो बैक ड्रॉप कर गए हैं यानी कि विद्यालय छोड़ गए, वो पुनः विद्यालय की तरफ आएंगे, उनकी बेहतरी का निर्णय सरकार ने किया है। 4 करोड़ लगभग बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जो राशि आज़ादी के बाद से यानी कि आज़ादी के पहले 1944 से योजना चली थी, तब से लेकर अब तक केवल 1100 करोड़ रुपए की योजना थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अध्ययन किया कि कारण क्या है, SC के बच्चे हमारे बेटा बेटी पोस्ट मैट्रिक से पहले क्यों छोड़ जाते हैं, तो ध्यान में आता है कि उनके खातों में पैसा नहीं होता था, समय पर पैसा नहीं पहुंचता था, इसके कारण वो किताबें नहीं खरीद पाते थे और सारे भत्ते लगते हैं वो काम नहीं कर पाते थे, इसके कारण वो प्रभावित हो रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक पारदर्शी निर्णय किया है कि राज्यों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनका खाता खोला जाएगा, उस खाते में पहले प्रदेश की सरकार पैसा डालेगी, फिर केंद्र सरकार अपना अंश जो 60% वो भी डालेगी। कुल मिलाकर आने वाले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ इन बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा, जिसके कारण 4 से ज़्यादा करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। 1,36,00,000 बच्चों को पुनः पोस्ट मैट्रिक में आने की संभावना है। प्रदेश सरकारों पर वजन कम होता रहे, इसके लिए सरकार ने प्रतिवर्ष 5% की राशि बढ़ाने का निर्णय किया है। 60% केंद्र, 40% प्रदेश सरकार वहन करेगी, लेकिन 5% प्रतिवर्ष बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर 5 वर्ष में 80% तक केंद्र सरकार खर्च करेगी और 20% केवल रह जाएगा प्रदेश सरकार का। तो कुल मिलाकर एक पारदर्शी निर्णय, एक ऐतिहासिक निर्णय, अनुसूचित जाति के बच्चों की बेहतरी के लिए निर्णय, शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए निर्णय, ऐतिहासिक कदम ये नरेंद्र मोदी जी ने और थावरचंद जी ने उठाया है। मैं अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से देश के लाखों करोड़ों जो हमारे पोस्ट मैट्रिक के हमारे बहन बेटी हैं, उनकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाल सिंह जी, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या कहना है, क्योंकि आप भी किसान भी हैं। मुझे लगता है कि किसानों का जो आंदोलन केंद्र की सरकार उस पर बात कर रही है, लगातार चर्चाएं कर रही है, दरवाजे खुले हुए हैं मुद्दों पर बात करने के लिए और उस पर समझौते के लिए सरकार तैयार भी है। सरकार ने लिखित में नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हमारे कृषि मंत्री लिखित में भी दिया है कि MSP जारी रहेगी, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी के बाहर जो किसानों से टैक्स अनाज बेचने का लिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया है। इंदिरा जी के समय केवल मंडी के अंदर ही किसान बेच सकता है, इसलिए वो टैक्स दे, बाहर नहीं बेच सकता है। इस कारण से आढ़ती कहीं ना कहीं किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदते थे, इससे एक सुरक्षा कवच केंद्र सरकार ने दिया है और उसके कारण कुछ भ्रम लोगों ने पैदा किए हैं कि जो समझौता कंपनी से होगा वो समझौता सरकार ने बार बार कहा है कि केवल फसल का होगा, समय के लिए होगा, जमीन का नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से 2 अप्रैल की घटना में SC ST के लोगों को भड़काया गया, CA में जैसे मुस्लिम समाज को भड़काया गया, उसी प्रकार से कुछ तथाकथित राजनीतिक दल जो किसानों को भड़काकर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं और अपने वोट की गंदी राजनीति को हल करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रवक्ताओं ने, पार्टी के कृषि मंत्री जी ने, पार्टी के और हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना मंडी बंद होगी, ना MSP बंद होगी, बल्कि MSP को हमने दुगुना किया है।